मैंने दौरान ड्यूटी मास्टर किया, फिर मैंने एमफिल किया, फिर मैंने पीएचडी की। आज के दिन आईजी साहब के साथ मेरी मीटिंग थी, ये किताब मैंने उनको पेश की। मैंने उनको ये ब्रीफली बताया कि इस किताब में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं और इसका ये फ़ायदा है हर रोड यूज़र के लिए और हमारे रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी मदद से वो कम किया जा सकता है। आईजी साहब बड़े खुश हुए, CC1 का और कैश वार्ड का भी मुझे उन्होंने ऐलान किया। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रोड सेफ्टी पे ये सारी चीज़ें कंपाइल करके एक किताबी शक्ल में दे दी गई हैं। कि जो मेरे पास किताब है, इसका टाइटल है सड़क का मुहतात और महफूज इस्तेमाल। मेरी कावज थी शुरू से कि मैं रोड सेफ्टी पे काम करूं, तो मैंने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया जिसको मैंने किताबी शक्ल में दिया है। कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी बातों पे अमल करना चाहिए और कौन सी उसको वो चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कंपाइल की हैं। रोड क्रॉसिंग के बारे में कि रोड किस जगह से क्रॉस करना है और कैसे प्रॉपरली क्रॉस करना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर मोटरसाइकिल चलाने, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने से पहले वो कौन सी करनी चाहिए, उसके बाद जब वो रोड पे आ जाता है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और चलाते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। गाड़ी रोड पे लाने के बाद ट्रैफिक के कवानीन या ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड या ट्रैफिक के सिग्नल्स और बाकी जो लवाजमात रोड की होती हैं सेफ्टी के हवाले से, उनको वो कैसे उस पर अमल दरामद करना चाहिए, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब एक अवेयर और एजुकेटेड बंदा रोड पे आता है तो उससे हादसात की रेशो में कमी आती है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल हमारी एक बहुत बड़ी रेशो है, हमारी जानों का ज़िया हो रहा है रोड के ऊपर, तो जब वो सेफली रोड को यूज़ करेगा तो वो हादसात में कमी आएगी।